चेकिंग के दौरान पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़। खबर संभल से है, जहां देर शाम चेकिंग के दौरान पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश व एक पुलिसकर्मी भी घायल होने की खबर है। वहीं इस दौरान एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। एक बदमाश जुलिया उर्फ मेराजुद्दीन को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ लूट, डकैती समेत पशु तस्करी जैसी धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल पूरा मामला संभल जिले के चंदौसी थाना इलाके का है, जहां पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के पतरौआ गांव के समीप पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध लग रही कार को हाथ दिया तो कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही की गई तो बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने बदमाश को घायल अवस्था में दबोच लिया। वहीं उसका एक साथी मौका पाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी संभल यमुना प्रसाद भी मौके पर पहुंच गए। भारी पुलिस फोर्स के साथ फरार बदमाश की तलाश में जुट गए हैं। जनपद संभल में चंदौसी में चेकिंग चल रही थी। व्हीकल चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी जा रही थी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें कुछ अपराधी बैठे हुए थे। उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल शिव कुमार घायल हुआ और इसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ। बाद में पूछताछ में पता चला कि ये जूलिया उर्फ मेराजुद्दीन जो अमरोहा का रहने वाला है और इस पर लगभग एक दर्जन केसेस सीएसएफ के और गैंगस्टर के हैं। एक अपराधी है, ये भी घायल हुआ और इसका एक साथी सादिक जो मौके से फरार हो गया है, उसके लिए कॉम्बिंग चल रही है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इसके बारे में और भी अपराधी का इतिहास पता किया जा रहा है और इसके साथियों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। हथियार भी मिले इसमें, एक तमंचा, काफ़ी सारे कारतूस और एक स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी मिली है, जिसको लेकर के ये लोग अपराध के लिए निकले हुए। सर गाड़ी नंबर की, बगैर नंबर की? बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है, अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है।